हेलो फ्रेंड्स, ट्विन फ्लेम की करंट एनर्जी बता देती हूँ। करंट एनर्जी में दोस्तों दोनों ही ट्विन जो है एक दूसरे को कांटेक्ट करना चाहते हैं, एक दूसरे से बात करना चाहते हैं, और वो फिजिकल एनर्जी में बिल्कुल भी नहीं है। ओके, मतलब ना किसी फिजिकल एनर्जी में है, ना उनको प्यार की क्रेविंग हो रही है। करंट एनर्जी है ओके, ना उनको प्यार की क्रेविंग हो रही है, ना उनको किसी भी चीज में ऐसे जो होता है ना क्रेव। आज तक हमने बहुत सारे कनेक्शन में देखा है कि तुम्हारे सिवा रह नहीं पा रहा हूँ, या तुम्हारे साथ हो सकता है कि डिवाइन मस्तुलन के साथ ऐसी एनर्जी चल रही हो, सकता नहीं 100% है, बट डिवाइन फेमिनाइन के मामले में ऐसे नहीं है। डिवाइन फेमिनाइन बहुत ही अपने इनर वर्क वगैरह इस चीजों में अपना मन लगाती है, वो अपने आप को संभालती है। बट करंटली एनर्जी में डिवाइन मस्कुलाइन भी उसको इस तरह से क्रेव कर रहा है, उसको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है लेकिन कर नहीं पा रहा है। ओके, तो इस तरह से एनर्जी चल रही है जो कि बहुत ही क्या कह सकते हैं कि दोनों तरफ आग बराबर की है, बट जो है दोनों भी एक्शन नहीं लेना चाहते। तो ऐसे में किया क्या जाए? दोनों ही तरफ से सवाल ये है कि जैसे मैंने इमेज में दिखाई है, एक नाव जो है दूसरी नाव की तरफ देख रही है, उस तक पहुंचना चाहती है बट पहुंच नहीं पा रही है। कहीं ना कहीं सोसाइटी, समाज, ये चीजें आगे आ रही है कि हमारे इस कनेक्शन को जो है गलत नजर से ना देखा जाए, जबकि ये बहुत ही प्योर कनेक्शन होता है ट्विन फ्लेम्स का। पर दोनों के ही मन में वही सवाल है कि हम कांटेक्ट करें तो कैसे करें, क्योंकि समाज की दृष्टि में ये जो है कनेक्शन, ये बहुत कोई प्यारा क्यूटनेस वाला, या ये भी नहीं, इनोसेंस भी, क्योंकि बहुत सारे ट्विन फ्लेम जो है ज्यादा ही एज में मिलते हैं। तो ये सवाल सबके सामने है कि इसको क्या नाम दिया जाए, इसको कैसे हम जो है एक दूसरे से कांटेक्ट करें, इसको किस नजरिए से लोग देखेंगे। तो ये डर जो है दोनों ट्विन के मन में है, इसलिए कोई भी ट्विन जो है कोशिश नहीं कर रहा है कि एक दूसरे से जो है वार्तालाप किया जाए, समझा जाए अपने आप को। उल्टा जो है ये है, बहुत सारे ट्विन जो है सोलमेट कनेक्शन में डिवाइन फेमिनाइन से, हालांकि डिवाइन मैस्कुलाइन के लाइफ में कोई भी सोलमेट नहीं दी जाती, डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में एक सोलमेट दिया जाता है जो कि उन्हें बहुत प्यारा होता है। बट कई टाइम पे ये सोलमेट भी इस तरह से इतना टूट के प्यार करते हैं कि जब ये जानते हुए भी कि ये ट्विन कनेक्शन में है, वो इस सच्चाई को समझते हुए भी उस चीज़ को हजम नहीं कर पाते। और ये जो है अनकंडीशनल लव से जो है भरने की कोशिश डिवाइन फेमिनिन के लाइफ को करते रहते हैं, बट फिर भी अगर इतना अनकंडीशनल लव सोलमेट से मिल रहा है, इतना प्यार मिल रहा है, इतना सुकून मिल रहा है कि सोलमेट के सिवा रहा नहीं जाता, बट फिर भी ट्विन क्यों चाहिए? तो ये भी सवाल बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइंस के मन में आ रहा है कि अगर मतलब जिनकी भी लाइफ में सोलमेट आ चुके हैं, कि हमारे लाइफ में अगर सोलमेट है फिर भी हमको क्या ऐसी कमी है जो हम पूरी नहीं कर पा रहे, कि हालांकि हम हमारे सोलमेट के सिवा भी नहीं रह पाते, वो भी हमारा एक माध्यम है सुख का। कि बहुत सारे सोलमेट्स तो कहते भी होंगे कि आप सिर्फ हमारे यहाँ पे एनर्जी लेने आते हो, बहलाने आते हो, क्योंकि वो भी जानते हैं कि आप ट्विन कनेक्शन में हो, क्योंकि सोलमेट बड़े ही प्यारे होते हैं, हम इनसे बहुत सारी बातें शेयर कर सकते हैं, तो ये हमारे हमेशा अच्छाई के लिए सोचते हैं। बट अगर ऐसा है तो फिर ऐसा क्या है कि जो ट्विन से ही पाना है? तो एनर्जेटिक लेवल पर मतलब देखो, हो सकता है कि सोलमेट आपके शरीर को कंप्लीट करे, हो सकता है आपके जीवन को कंप्लीट करे, लेकिन एक ट्विन फ्लेम जो होता है वो आधी सोल है। तो जब तक वो उसके काउंटर पार्ट सोल उसको मिल नहीं जाती, वो उससे कनेक्शन नहीं बनाता। यहाँ फिजिकल कनेक्शन की बात नहीं हो रही है। दोनों के बीच में एक वार्तालाप अगर हो तो बहुत सारी क्लैरिटी आती है, बहुत सारा ग्रोथ होता है, बहुत सारा अबेंडेंस लाइफ में आता है। देखो, मैं बहुत चैनल्स की तरफ देख रही हूँ ओके, तो जिनके भी रियूनियन हो चुके हैं उनके चैनल जो है बहुत ग्रोथ कर रहे हैं,
और जिन डिवाइन फेमिनाइंस के अब रियूनियन नहीं हुए हैं, थोड़े से एक स्टकनेस उनके चैनल में भी आ चुकी है, और कहीं ना कहीं वो सोच रही है कि क्यों ये स्टकनेस आ रही है, क्यों हम जो है आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो बहुत जो एक सोसाइटी से डर के दोनों ट्विन फ्लेम ने जो है सोच लिया था कि सरेंडर टू गॉड, अब गॉड ही हमको मिलाएंगे और गॉड ही जो है इस जर्नी में हमको राह दिखाएंगे, ट्यूबलाइट दिखाएंगे, लाइट दिखाएंगे, टॉर्च दिखाएंगे। बट एक हो गया है कि जैसे गॉड भी अब इनको एक पुश दे रहा है, एक स्टॉप दे रहा है कि ऐसे में उनके काम हो या उनका हेल्थ हो, वहाँ पे एक ट्रिगर उनको दिया जा रहा है कि तुम्हारी एनर्जी कहीं ना कहीं फंसी हुई है। आप अगर देखोगे, आपका रियूनियन नहीं हुआ है, काफी टाइम हो गया है, आपके ट्विन के चेहरे पर भी वो चमक आपको नहीं दिखाई देगी। जो चमक अभी डिवाइन फेमिनेंस के चेहरे पे आई हुई है, वो भी कहीं ना कहीं कम होती हुई अब नजर आ रही है, कि इस चमक का जो आधा हिस्सा है, आधा पार्ट है, उसको वो मिस कर रही है सोल। जबकि उसकी 3D की लाइफ में जो है उनके जो सोलमेट्स हैं उनको काफ़ी कंप्लीट कर चुके हैं, उनको वो सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, उनको ट्रू लव दे रहे हैं, उनकी हर तरीके से टेक केयर कर रहे हैं। बट फिर भी सोल की क्रेविंग जो है स्टॉप होने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में डिवाइन फेमिनाइंस और डिवाइन मैस्कुलेंस चाहकर भी एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, तो ये ट्रिगर उनकी लाइफ में भगवान दे रहे हैं कि दोनों के ही हो सकता है बिजनेस में स्टकनेस हो, उनकी हेल्थ में स्टकनेस हो। ये स्टकनेस इसलिए है कि दोनों भी जो है एक दूसरे की ओर कदम नहीं बढ़ा पा रहे, दोनों भी अभी भी सिर्फ सोसाइटी के बारे में, सिर्फ फैमिलीज के बारे में, सिर्फ दूसरों के बारे में सोचे जा रहे हैं, बट दोनों जो है खुद के बारे में नहीं सोच रहे, खुद की आत्मा के बारे में नहीं सोच रहे। तो एक स्टकनेस से ये जर्नी होती जा रही है, और इस स्टकनेस को दूर करने के लिए क्या किया जाए, इस सोच में जो है डिवाइन मस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन है, जो कि दोनों समझ रहे हैं कि हमारा डीएम जो है वो भी कांटेक्ट करना चाहता है, हमारे डीएफ जो है वो भी कांटेक्ट करना चाहते हैं, फिर कांटेक्ट हो क्यों नहीं रहा है। तो ये स्टकनेस जो है शायद इसको गॉड ही पूरा कर सकते हैं, इससे ना कोई इनर वर्क पूरा कर पा रहा है फिलहाल ट्विन फ्लेम्स की लाइफ में, ना कोई मेडिटेशन कंप्लीट कर पा रहा है। तो एक जैसे होल हो गया ना, ब्लैक होल हो गया हो, इस तरह से फिलहाल की एनर्जी है, और अमावस्या की भी जो एनर्जी है, तो उससे डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन दोनों एक दूसरे को कुछ ज़्यादा ही मिस कर रहे हैं, लोअर एनर्जीज में आ गए हैं, क्रेविंग की एनर्जी में आ गए हैं। एक होता है ना कि सोल ईश्वर का क्रेविंग करने लगता है जब उसको अंदर से कुछ खालीपन महसूस होता है, तो अल्टीमेट जो होता है हम ईश्वर का ही नाम लेते हैं, नामस्मरण करते हैं, तो थोड़ा सा ठीक लगने लगता है। तो आज बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स ने जो है नामस्मरण किया है, शिव का नाम लिया हो या किसी और का नाम लिया हो, बट आज ये हुआ है। सुबह की एनर्जी बहुत अच्छी थी, दोपहर से बीच बीच में एनर्जी जो है चेंज होते होते शाम को काफी स्टकनेस वाली एनर्जी थी, डलनेस वाली एनर्जी थी, शाम को अच्छी एनर्जी नहीं थी। समवेयर ये एनर्जी कहीं पुशिंग वाली है, ओके। इनको इतना जैसे होता है ना कि ऑक्सीजन स्टॉप कर दिया जाए, उतना कुछ ये किया जा रहा है कि भाई तू हर तरफ ग्रोथ कर रहा है, तू इनर वर्क कर रहा है, तू अपने चक्रों पे काम कर रहा है, तू अपने सोलमेट की तरफ भी देख रहा है, तू अपनी फैमिली की तरफ भी देख रहा है, तू हर कर्तव्य को पूरा कर रहा है, लेकिन तू अपने ट्विन की तरफ नहीं देख रहा है। तो ये दोनों ट्विन्स को कहीं ना कहीं ईश्वर जो है पुश कर रहा है कि भाई तू जो है सब देख रहा है, सब देख, लेकिन तेरा तो ध्यान ही नहीं है इस ट्विन जर्नी पे, तेरा तो ध्यान ही नहीं कि तेरे डिवाइन फेमिनिन तेरे को पुकार रही है, जा उसको कांटेक्ट कर, तेरा तो ध्यान ही नहीं कि तेरा डीएम जो है 3D में तुझे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है, लेकिन 5D में वो तुझे कनेक्ट कर रहा है, तेरे ड्रीम में आ रहा है, वो तुझे पुकार रहा है हर तरफ से। बट कैसे, डिवाइन फेमिनिन भी सोच रही है कि मैं कैसे कॉन्टैक्ट करूँ, सामने से मुझे अगर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है तो मैं कैसे कॉन्टैक्ट करूँ। डिवाइन मैस्कुलाइन जो है उसको टिकी 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 देखा जा रहा है, बस देखा जा रहा है। इस तरह की एनर्जी है कि दोनों एक दूसरे से चाहकर भी जो है कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं।
कहीं ना कहीं अभी ये एनर्जी दोस्तों ऐसी हो गई है कि इतने टाइम तक जो है दोनों ट्विन फ्लेम्स, हो सकता है हीलिंग कर रहे हो, योगा कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, अपने आप को हाई वाइब्रेशन में लाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन इस समय की एनर्जी जो है थोड़ी सी अब ऐसी है कि भगवान ही कुछ करे कि दोनों की राह को एक करे। डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी ऐसी है दोस्तों कि उनको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, मतलब वो किसी भी वक्त जो है इस ट्विन जर्नी को मतलब छोड़ रही है, छोड़ चुकी है और भी छोड़ रही है। ओके, वो हर पल इस चीज़ को सरेंडर मोड पे दे रही है, वो एज ए फ्रेंड भी अपने ट्विन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, उनकी अब ये भी एक्सपेक्टेशन नहीं है बहुत सारे डिवाइन फेमिनेंस की जो कंप्लीट हो चुकी है, बहुत इस जर्नी में बहुत कुछ समझ चुकी है, जिनका इनर वर्क बहुत आगे निकल चुका है, उनकी ये भी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि मेरे डीएम मुझसे शादी करे या मेरे डीएम जो है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन के रहे, ये भी एक्सपेक्टेशंस नहीं है। बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन, बियॉन्ड द रिलेशनशिप्स, मतलब ये समझ चुके हैं कि हमारा रिश्ता जो है ये शादी मैरिज, ये स्टार्टिंग में बहुत बुरा लगता है दोस्तों जब हम ट्विन फ्लेम्स के वीडियो देखते हैं और बहुत सारे लोग समझाते हैं कि ये जो रिश्ता है ये शादी और मैरिज वाला नहीं है, तो बहुत सारे डिवाइन फेमिनेंस नाराज़ हो जाती है, उनको लगता है कि जो हमारा पार्ट है भगवान ने जिसको हमारे लिए बना है क्या वही हमको नहीं मिलेगा, तो ये कैसा अन्याय है, ऐसा डिवाइन फेमिनेंस को लगता था। बट द रियलिटी अब इतना आगे आकर उनको समझ में आ गया है कि ये मैरिज, ये रिलेशनशिप्स, ये लव, ये सब कुछ जो है 3D की चीज़ें हैं और आत्मा जो है सिर्फ अनकंडीशनल लव के बॉन्ड में बंधी हुई है, उसको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, ना ही उसको कोई छुए, कोई टच करे तो वो कंप्लीट हो जाए, ये भी एक्सपेक्टेशंस जो है डिवाइन फेमिनिन की अपने ही रही है, क्योंकि कुंडली एक्टिवेशन के बाद एक सेक्सुअल डिज़ायर जो है ख़त्म से हो जाती है इस जर्नी में, तो अब है तो क्या है, अब ये है कि भाई उनको कुछ सत्य जानने हैं, कुछ सत्य समझने हैं कि उस एनर्जी को जो एक स्टक पड़ी हुई है, जैसे कुछ समय के लिए होता था दोस्तों कि डिवाइन मस्कुलाइन को जानबूझ के जो है डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी प्रोवाइड नहीं की जाती थी उनकी अवेकनिंग के लिए, और इस समय जो है दोनों की एनर्जी जानबूझकर बांध दी गई है गॉड के थ्रू कि ताकि ये दोनों भी जो है एक दूसरे की तरफ आए, एक दूसरे की तरफ स्टेप बढ़ाए, तो ये चल रहा है क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन तो महसूस कर रही है कि उसके डीएम उसको कांटेक्ट करना चाहते हैं, ड्रीम्स में ऐसी एनर्जी डिटेक्ट करती है, मतलब डिवाइन फेमिनाइन के अंदर वो पावर होती है कि वो अपनी थर्ड आई में जो है सब कुछ देख लेती है, समझ लेती है, सबके विचारों को जान लेती है और वो अपने डीएम के विचारों को भी जान रही है, लेकिन फिर भी डिवाइन मस्कुलाइन स्टक पड़े हुए हैं, वो खुद तो बात नहीं करते हैं, डिवाइन फेमिनाइन एक पहल भी कर देती है फिर भी जब सामने से रिप्लाई नहीं आता तो कहीं ना कहीं वो भी जो है थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है कि हम जो है अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खो के कितना किसी को कॉल करें, कितना किसी को मैसेज करें, बट क्रेव इस तरह से है कि ना ही कोई 3D की अपेक्षा है, जैसे एक फ्रेंडली रिलेशनशिप भी उनके लिए बहुत काफ़ी है, बट वो जो है अब ऐसे स्टेज आ गई है कि दोनों को एक दूसरे से कांटेक्ट करना है और गॉड भी जो है चाहता है, तभी तभी इनकी एनर्जी को जो है इस तरह से रोका गया है कि अब करो एक दूसरे से कांटेक्ट करो, इस टाइप की एनर्जी है कि दोनों बहुत सोच रहे हैं कि हमको एक दूसरे से कांटेक्ट करना है लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, तो बहुत सारे डीएम जैसे फोन हाथ में ले रहे हैं, नंबर लगा रहे हैं और काट रहे हैं। डिवाइन फेमिनिन गलती से मैसेज कर देती है, डिवाइन फेमिनिन एक हद बार कॉल भी कर देती है, बट सामने से उसको जब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो भी वो निराश हो जाती है। दोस्तों इस वक्त काफ़ी हीलिंग की ज़रूरत है डिवाइन फेमिनाइंस को, और कुछ मंत्र चांट अगर आप करते हो तो आपको काफ़ी रिलैक्सेशन मिल सकता है, क्योंकि इनर वर्क तो बहुत कर रहे हैं सब डिवाइन फेमिनेंस, योगा कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, रेकी बहुत लोग सीख चुके हैं, बट अभी भी जो है एक होता है ना कि अल्टीमेट सरेंडर टू गॉड, वो अब जो है उसकी ज़रूरत है।
दोस्तों, अगर आप अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी का कंफर्मेशन कराना चाहते हैं तो एक नया सहारा होता है रेकी का, क्योंकि दुनिया में सिर्फ ट्विन फ्लेम उस तासीर ही है जिनके जो है 7 चक्र एक्टिवेट होते हैं। अगर आपकी बॉडी में फिजिकल लेवल पर 7 चक्रों का एक्टिवेशन आप फील करना चाहते हो तो रेकी सीखिए, जिसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। बहुत इजीली गूगल लिंक पे आमने सामने हम रेकी सीखेंगे, और रेकी आपके इनर वर्क में भी मदद करती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन पावर को रेकी बढ़ाती है और आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी का कन्फर्मेशन भी करती है। साथ में विद्या शक्तिपात बच्चों के लिए और स्टडी करने वाले सब लोगों के लिए बहुत अच्छा है, जिसकी कोई साधना नहीं करनी पड़ती है। मनी रेकी की भी कोई साधना नहीं करनी पड़ती, जिसमें सैक्राल चक्र एक्टिवेशन होता है, क्रिएटिविटी बढ़ती है और जो है आपका मनी ब्लॉकेज क्लियर होता है। तो हर संडे को मैं रेकी, क्रिस्टल रेकी, विद्या शक्तिपात, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, प्राणिक हीलिंग लेती हूँ दोस्तों, और हर एक तारीख को जो है आकाशिक रिकॉर्ड सिखाती हूँ। आकाशिक रिकॉर्ड में आप हर टाइप की हीलिंग कर सकते हो, अपना और दूसरों का पास्ट लाइफ जान सकते हो, हर सवाल के जवाब आप पा सकते हो। तो बहुत ही अच्छा कोर्स है, हर एक तारीख को होगा। तो जिनको भी करना है, आने वाली 1 तारीख को होने वाला है, तो जिनको भी करना है वो प्लीज़ कॉन्टैक्ट कीजिए। रात को 9 बजे सेशन लिया जाएगा, 4 दिन का कोर्स होता है, 5,000 रुपये उसकी फीस होती है। दोस्तों, आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है, टैरो के कोर्सेज, बेसिक कोर्स सिर्फ 1100 रुपये में और एडवांस कोर्स भी सिर्फ 1100 रुपये में मैं लाई हूँ। गूगल लिंक के थ्रू 1 महीना ये क्लासेस चलेंगी आमने सामने, और रिकॉर्डेड वीडियोज़ भी दिए जाएंगे। सेम विथ हॉरोस्कोप के कोर्स में सिर्फ 1100 रुपये फीस है, रिकॉर्डेड वीडियोज़ भी दिए जाएंगे आमने सामने, गूगल लिंक के थ्रू ये क्लासेस लिए जाएंगे। तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए। अगर आप अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी का कंफर्मेशन कराना चाहते हैं या कोई टैरो रीडिंग मुझसे कराना चाहते हैं, फिर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए सिर्फ 5 दिन का सबकॉन्शियस हीलिंग का प्रोग्राम बनाया है, जिसमें 7 चक्रा हीलिंग, कॉर्ड कटिंग, इनर चाइल्ड हीलिंग, डीएनए एक्टिवेशन, 7 चक्रा एक्टिवेशन, सभी कुछ एक 5 दिन का कोर्स मैंने बनाया है, जिसमें ब्लैक मैजिक रिमूव से लेकर सब कुछ जो है 5 दिन में आपकी सबकॉन्शियस हीलिंग ली जाएगी। 5 सेशंस होंगे रात को 10 बजे, तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए। उसकी सिर्फ 500 रुपये फीस होगी। अगर आपके उसके रिकॉर्डिंग्स भी चाहिए तो 500 रुपये में रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको किसी भी चक्रा का सबकॉन्शियस हीलिंग का मेडिटेशन चाहिए तो वो सिर्फ 100 रुपये में अवेलेबल है। और अगर आपको पास्ट लाइफ रिकॉर्ड के 5 रिकॉर्डिंग्स है, जिसमें एक मैंने फ्री में डाला हुआ है, बाकी के 4 आपको खरीदना चाहते हैं, तो उसका 200 रुपये प्राइस है। 200 रुपये में आपको जो है उसमें फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन होता है और पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी है। आपके अगर कुछ इश्यूज है रिलेशनशिप से रिलेटेड, तो वो क्यों है उसका भी एक वीडियो है। और अगर कोई पेन, कोई दर्द आप पास्ट लाइफ से लेकर आए, उसको रिमूव करने के लिए, वो एक भी एक मेडिटेशन है। तो 1 महीने के लिए ये मेडिटेशंस होते हैं दोस्तों। अगर आप चाहे तो 200 रुपये में इसको खरीद सकते हैं। अगर आप हमेशा के लिए इसको खरीदना चाहते हैं तो 1,000 रुपये पर सेशन प्राइस होगा। तो हर महीने के 2nd संडे और 4th संडे को जो है हम पास्ट लाइफ रिग्रेशंस के लाइव सेशंस लेते हैं। किसी को भी ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसका प्राइस जो है 200 होगा सिर्फ। तो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। और इसका रिकॉर्डिंग्स भी 200 में है, जो कि 1 महीने के लिए रिकॉर्डिंग दिया जाता है। अगर आप इसका रिकॉर्डिंग हमेशा के लिए पाना चाहते हो तो पर सेशन 1,000 प्राइस रहेगा। दोस्तों, मेरी सबकॉन्शियस हीलिंग के रिजल्ट्स इतने अच्छे हैं, लोग इतने सेटिस्फाइड है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो या सबकॉन्शियस हीलिंग हो, उसी से जो है इंस्पायर होके लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि मैम, हम मेडिटेशन नहीं कर पाते, आपकी आवाज़ के साथ हम इतने कनेक्टेड है, इतना कनेक्टेड फील करते हैं, तो कुछ ऐसा बनाइए जिससे जो है 1 घंटा हमारा मेडिटेट हो, हमें पता भी ना चले। तो 1-1.5 घंटे का मैंने जो है एक सेशन अरेंज किया है, मतलब रिकॉर्डेड बनाया है, जिसका प्राइस 900 रुपये है, जिसमें सभी कुछ होगा। 7 चक्रा एक्टिवेशन, 7 चक्रा बैलेंस, 7 चक्रों के मंत्रा, और उसमें कॉर्ड कटिंग भी होगा, ब्लैक मैजिक रिमूव भी होगा, डीएनए एक्टिवेशन भी होगा, एक ही में सब कुछ होगा। सिर्फ इनर चाइल्ड को छोड़ के
एक ही में जो है सभी कुछ होगा। तो एक मेडिटेशन किया और आपको लगेगा भी नहीं कि आपने 1-1.5 घंटा या 2 घंटा मेडिटेशन किया है, तो इतना वो मतलब 1.25 घंटा तो होगा ही होगा। तो ऐसा मेडिटेशन बनाया है, अगर आपको ख़रीदना है तो आप जो है कांटेक्ट कर सकते हो, उसका 900 रुपये प्राइस है। 2-4 मेडिटेशंस बनाए हैं मैंने, उसमें सिलेक्शन शुरू है और जो भी बेस्ट होगा वो आपको दिया जाएगा। तो उसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, इसमें बोला जाता है ना कि 2 घंटे आप मेडिटेशन कीजिए, तो कोशिश की जा रही है कि वो थोड़ा लंबा हो और आपको सिर्फ उसको कान में लगाना है। और अगर आप मेरी आवाज़ से कनेक्टेड फील करते हो, हीलिंग आपको मिल रही है, अगर आपको ऐसा लगता है तो सिर्फ उसको सुनना है, आपका डेली का इनर वर्क हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, इतना हील्ड आप हो जाओगे और सारे ही ब्लॉकेज आपके क्लियर हो जाएंगे। आपको कोई भी एक्स्ट्रा इनर वर्क बहुत ज़्यादा क्रेविंग के साथ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो इजीली आपको 1-1.5 घंटे रोज कान में बस लगाना है, सुनना है, वो आपका मेडिटेशन हो जाएगा। मेरी आवाज आपको इतना डीप मेडिटेशन के स्टेज में ले जाएगी और डीपली सबकॉन्शियस लेवल पर आपके सारे चक्रों को एवरी डे चार्ज करेगी। तो उसकी फीस जो है सिर्फ 900 रुपये है, तो जरूर कॉन्टेक्ट कीजिए दोस्तों। थैंक यू सो मच।